Good morning, students. Yesterday we have seen about the BMI and we have seen that human development report was very important for any country because it speaks about different sectors or criteria which must be added in the development of any country. So today we are going to start the lesson from page number 14. Then I will read for you, isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every aspect, and a big country like ours has such a low rank in the world. Yesterday जो हमने देखा था उसके आधार पे, यस्टरडे हमने जो शीट देखी थी उसके आधार पे हमने देखा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर श्रीलंका जो है वो लीडिंग है और इंडिया जो है वो काफी पीछे वाली उसमें है. श्रीलंका का एचडीआई रैंक जो है वो 73 था, इंडिया का 131 था. तो ये चीज दिखाता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा बेटर जो डेवलपमेंट है वो श्रीलंका का है. वो एकदम छोटा सा देश है और फिर भी हमसे आगे उसको देखा जा सकता है. तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर उस देश में ऐसा क्या था या ऐसा क्या है जिसके कारण वो आज हमसे भी आगे माना जाता है. नाउ टेबल 1.6 एज यस्टरडे वी हैव सीन इन इट देन ऑल्सो शोज दैट थ्रू नेपाल एंड बांग्लादेश दो नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटल इनकम देन दैट ऑफ इंडिया येट दे आर बेटर देन इंडिया इन द लाइफ एक्सपेंसी. अगर हम देखें तो बांग्लादेश और नेपाल जो है वो इनकम में पीछे होने के बाद भी उनकी लाइफ एक्सपेंसी जो है हमारे देश से ज्यादा बेटर दिखने में आती है. अगर हम देखें तो HDI जो है यानी कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंसानों के डेवलपमेंट को बताता है कि कौन से राज्य के लोग कितने डेवलप्ड है, वहाँ के सिटीजन किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, क्या उनके पास हर फैसिलिटी मुहैया है, क्या उनको हर तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है. वैसे आपकी बुक में नहीं है पर मैं आपको बता दूं कि आजकल कई देश इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं कि ओके किसी देश के पास जो चीजें कम है, रिसोर्सेस कम है, फिर भी क्या उनकी ह्यूमन बीइंग हैप्पी है, वो अपनी लाइफ अपने कल्चर और अपने सिस्टम के अंदर हैप्पी है. तो इस चीज को भी ऐड करने शुरू किया है कि कौन सा देश कितना खुशहाल देश है रियली. वो भी हम देखें तो डेवलपमेंट में आना चाहिए. आपके पास बहुत कुछ है, आप स्ट्रेन में हैं, आप बहुत दुख में हैं और आप सारे दिन कमाने में लग रहे हैं और आपकी जिंदगी में खुशी या आनंद या पारिवारिक एक खुशी का जगह नहीं है तो अल्टीमेटली वो देश में डेवलपमेंट कोई मतलब मायने नहीं रखता. क्यों? क्योंकि हर चीज होने के बाद भी किसके लिए वो हर चीज जो है इंसानों के लिए. अगर इंसानों के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी तो अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं होगा. सो अगर हम देखें तो ये चीज जो है आजकल HDI के अंदर एडिफाइड हो रही है और HDR रिपोर्ट के अंदर भी इसको दुनिया वाले जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं. देन वी आर गोइंग टू टच द टॉपिक ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट. आप डेवलप होके रुक जाएंगे तो डेवलपमेंट गिर जाएगा यानी खत्म हो जाएगा. तो डेवलपमेंट निरंतर बनती ही रहना चाहिए, डेवलपमेंट आगे बढ़ने का नाम है, यानी कि आप डेवलप होते ही रहे वो बहुत जरूरी है. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा कि जो सस्टेनेबिलिटी है कंटिन्यूस डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनीथिंग एंड कीपिंग द रिसोर्सेज फॉर द न्यू जनरेशन. तो ये चीज अगर हम देखें तो वो हमारे इकोनॉमिक्स में भी काम में आएगा और वो चीज जो है इकोनॉमिक्स में भी हमें देखना होगा कि क्या डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमने इतना डेवलप कर लिया है कि अब हम दुनिया को खत्म कर देंगे और खुद भी जो है खत्म हो जाएंगे. नहीं, हमारा डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम जो है
कंटिन्यूस डेवलप हों और दूसरे मतलब इलाके भी डेवलप होते जाएं। लेट मी रीड द पैराग्राफ फॉर यू। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप, वी वुड सर्टनली लाइक दिस लेवल ऑफ द डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। दिस इज ऑब्सर्वली डिजायरेबल। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type, the level of development are not sustainable. आप सब जानते हैं आजकल हम लोग लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन में होने के कारण हमारा एनवायरनमेंट बहुत क्लीन हो गया। दिल्ली का पॉल्यूशन एकदम क्लीन हो गया, साफ हो गया। जमुना नदी बिल्कुल निश्चल बह रही है। तो ये सब कैसे हो गया? हम तो डेवलप थे, हम अच्छा कमा, हमारा इंडस्ट्रीज अच्छे कमा रही थी, हमारी दिल्ली तो बहुत डेवलप्ड है, हमारा कैपिटल है। और फिर ऐसा क्यों था कि वहां पे स्मोक और कोहरा और ये वाली प्रॉब्लम थी, लोगों को जो सांस लेने दिक्कतें हो रही थी, अब नहीं हो रही। तो ये सब हम देखें तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं, इस बात को अब हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि आप कंटिन्यूस डेवलप करते रहें। ये एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने डेवलप किया और आपने चीजों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया और आपका डेवलपमेंट एकदम पीक से जीरो हो गया, यानी कि ऊपर चोटी पे से नीचे गिर गया धमाक से। ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिस्ट आजकल ये कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो 20th और 21st सेंचुरी के अंदर ऐसा हो गया है जो वार्निंग लेवल पे आ गया, यानी कि वो एक मुसीबत में या एक वार्निंग का टाइम पीरियड हो गया है कि इससे ज्यादा किया या इससे ज्यादा कुछ हुआ तो दुनिया में प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। इसका एक एग्जांपल दिया है कि हमारे देश में हम लोगों ने खेती को यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया? इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया। इरिगेशन यानी सिंचाई, जो नदियों वाली सिंचाई नहीं, हमने क्या किया, अंडरग्राउंड वाटर को सक किया और उसको यूज करने लगे। अगर हम आज की तारीख, आज की नहीं ये पुराना डेटा है, 300 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वाटर लेवल नीचे गिरा। इन 20 सालों में चार मीटर से भी ज्यादा जो है क्या हो गया, पानी का लेवल गिरता चला गया। पानी की जो क्वालिटी थी वो खराब हो गई, उसकी सैलिनिटी जो है और उसकी पीएच वैल्यू जो है, आप सब जानते हैं पानी को अपन पीएच वैल्यू से देखती, तो वो गिर गया। उसके कारण जो उस पानी से लेकर बनाया खेती जो की जाती थी वो खत्म होने लग गई। इसके कारण पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई सारे, आंध्र पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, कई सारे लोगों किसानों ने डर के मारे या उधार में फंसने के कारण आत्महत्या कर ली। तो क्या हम इसे डेवलपमेंट कहेंगे? ये एक सोच है, ये एक सोचने का मुद्दा है कि हमने तो डेवलपमेंट के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि हम क्या है HYVC केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन फैसिलिटी लगाकर खूब सारा अन्न उत्पादित करें ताकि हमारे देश में कोई भूखा ना रह सके। परंतु अब हम देखते हैं कि क्या हुआ, उसका असर क्या निकला। हमने बिना सोचे बेतहाशा अंडरग्राउंड वाटर को क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। ना सिर्फ इसके लिए, अगर हम देखें तो सिटी में भी इस तरह की हम चीजें देखते हैं, अर्बन एरियाज में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं कई चीजों को, जाने अनजाने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और उसके कारण जो हमारा सो टू बी कॉल्ड अ डेवलप होना वो क्वेश्चन मार्क में आता है, वो क्वेश्चनिंग होता है। मेरे ख्याल से आप सब बच्चों ने एक एग्जाम एक टीवी एड देखा होगा, राजस्थान का टीवी एड है जिसमें एक शावर लगा हुआ है और एक ग्रामीण औरत मटकी लेके आती है और वो शावर को देखती है, वो पानी पीती है, मटका भरती है और वहां से चली जाती है। कई सारी लाइन लग जाती है, लोग वो शावर से पानी पी रहे हैं और मटका भर रहे हैं। फिर उसके बाद भी ये कोटेशन आता है कि कई लोगों का क्या है, पेट भर गया पानी से, उनका मतलब जीवन भर गया पानी से, परंतु एक व्यक्ति के नहाने के लिए वो पानी अभी भी पर्याप्त नहीं माना जाता। यानी कि कई लोग हैं हमारे देश में और बाहर जो बहुत सारा पानी वेस्ट करते सिर्फ नहाने के लिए, जबकि
राजस्थान जैसे अपने इलाके में पानी बहुत प्रेशियस है, तो वी हैव टू सेव वाटर एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट द वाटर, तो वो इसलिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। समझ में आया होगा आपको, क्योंकि ये चीजें हमारे इस जनरेशन को जानने के लिए बेहद जरूरी है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ द रिसोर्सेस एंड प्रोटेक्ट देम। और ना सिर्फ ये, पर डेवलपमेंट को हमें उस ध्यान में रखना है कि हमें कितना डेवलप होना है ताकि किसी और को उससे नुकसान ना पहुंचे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय योर डे।